साथियों, सरदार पटेल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना देखा था। उनका यह सपना आत्मनिर्भर भारत से जुड़ा हुआ था। कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान भी जो हमें सबसे बड़ा सबक मिला है वो आत्मनिर्भरता का ही है। आज एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना, आत्मनिर्भर भारत की भावना एक नवीन भारत का निर्माण होते हुए देख रही है। नवीन होने के कई अर्थ हो सकते हैं, कई भाव हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए नवीन का अर्थ यही नहीं है कि आप केवल पुराने को हटा दें और कुछ नया ले आए। मेरे लिए नवीन का अर्थ है कायाकल्प करना, क्रिएटिव होना, फ्रेश होना, एनर्जेटिक होना। मेरे लिए नवीन होने का अर्थ है जो पुराना है उसे और अधिक प्रासंगिक बनाना, जो कालबाह्य है उसे छोड़ते चले जाना। छोड़ने के लिए भी साहस लगता है और इसलिए आज नवीन, श्रेष्ठ और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए क्या जरूरतें हैं, वो आपके माध्यम से कैसे पूरी होगी, इस पर आपको निरंतर मंथन करना होगा। साथियों, ये बात सही है कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जरूरत है, रिसोर्सेज और फाइनेंसेस की जरूरत है, लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है कि इस विजन को पूरा करने के लिए एक सिविल सर्वेंट के तौर पर आपका रोल क्या होगा। जन आकांक्षाओं की पूर्ति में अपने काम की क्वालिटी में, स्पीड में आपको देश के इस लक्ष्य का 2400 घंटे ध्यान रखना होगा।